आराम से आराम से। अनु बाबूजी के बिस्तर लगा दा। ना ना हमरा हमरा ही जे बैठा दा खटिया पर। कमरा में रहत रहत तो हमार दिल घबराए लागल बा। बैठी मास्टर जी चल बैठी। कहता नहीं एगो तकिया ले आई। मास्टर साहब ही जे आराम करिए। अनु तकिया ले आवा। चाची इली इमे आई ड्रॉप और पुर्जा बा बाजार से मंगावे के पड़ी। मास्टर साहब के शुगर बहुत बढ़ गई बा। आज से आलू चीनी सब बंद। अनु तू जाके चाय चढ़ावा। अनुभव हमरा पूजा के डब्बा में 50 रुपया हुई। जाके तनी दवा ले आवा। रह दी चाची लाई हम ले आवा तनी। तू ऐसे रह। महादेव भैया ऑपरेशन तो ठाकुर साहब करा देली और बाकी दवा दारू के खर्चा भी तो देवे के चाहिए। वो कहाँ से आई? अजाई महारानी जी के खबर करा दी कि मेहरबानी करके अपने बाबूजी के देख जाए। ओहो सुहासिनी तू चुप करबू कि ना? हमके चुप करावे से अगर दवा के खर्चा आ जाए तो हम चुप करत नहीं। जब राउर बोलला से खर्चा ना आए तो रुआ चुप रही ना। अब तो ही झंझट। ए महादेव बाबू हमके काहे ले आए नहीं है जा। अच्छा अच्छा सब ठीक हो जाए। अरे हम चाय ले आए नहीं और शंकर भैया चल गए लन। दवाई ले आए गए लोगन अबते होंगे। एगो दवाई है जा ना मिलल हम काल ले आए। बाकी बेटा ई दवाई के पैसा का चाची हम रवा लो खातिर इतना भी ना कर सकी ले। जुग जुग जी हमर बेटा। सारिका सारिका चला जल्दी से खाला हमके जाए के बा। चला मुँह खोला खोला मुँह। और हम ना जाए दी तब? तब भाई तब तो सोचे के पड़े। आंखों से अश्क छीन लिया करते हैं हम। आपकी नींद चुरा लिया करते हैं हम। अब जब भी आपकी पलके झुके तो समझना तब तब आपको याद किया करते हैं हम। सारिका जिंदगी के तोहरे साथ ऐसा मजाक ना करे के चाहत रहे। तोहरे जैसे लड़की के एक प्यार करे वाला पति एक भरा पूरा परिवार मिले के चाहत रहे। बाकी हम तो सोचा तानी कि केहू हमरा से पूछे कि हम का चाहतानी तो हम कहब कि सारी दुनिया की खुशी के बदला में हमरा के हमार रंजीत बाबू दे दस। का बात बा महाराज जी? चंपा जाना तारु कल का भय रउआ बोलब ना तो हम कैसे जानी? तो सुना काले हम छोटका बबुआ के खाना लेके उनका कमरा में गइल रही तो का देखनी कि बड़की भौजी दरवाजा में कान सटा के कुछो कुछो सुने के कोशिश करत रहे। हमहू उनका पीछे जाके खड़ा हो गई नी। काहे? ई देखे खातिर कि कब तकले वैसे खड़ा होके रह सकेली। लेकिन का बताई ई जो हमर नकवा बानू यही धोखा दे देलस। नकवा? वो कैसे महाराज जी? अरे वो ऐसे कि हम उनके पास जाकर सट गई। घबरावा ना इतने में उनकर एगो बाल उड़ के आयल हमर नाक में घुस गए। नाक में घुस के हम बड़ कोशिश करनी संभारे के खाना लेके खड़ा रही। बड़ कोशिश करनी पर का करी जोर से ठीक कर दे रही ऐसा। हाँ और हमरा देख के भौजी एकदम चौंक गई और फिर का थप्पड़ जड़ दी का? अरे ना ना थप्पड़ कैसे जड़ दी है हमरा देख के एकदम घबरा गई।
चेहरा तो फक पड़ गई है। आउ न तका केकर चेहरा फक पड़ गई है। चंपा कुछ हो ना माजी ऐसा ही। अच्छा ठीक बा, मंजली दुल्हीन के खाना पे थोड़ा ध्यान देल कर, ज्यादा तेल गरम मसाला मत डालल कर। मालकिन रुआ चिंता जिन करी, हम मंजली भोजी खातिर सादा खाना बनवले बनी। अच्छा ठीक बा महाराज जी, बाकी दूध आ फल ज्यादा देल कर। जी मालकिन। चंपा मंजली दुल्हीन के खाना तू अपन हाथ से देल कर, काहे कि अब हम नहीं की चाहत कि मंजली दुल्हीन के तबियत फिर से खराब हो जाए। रवा हिदायत दे रहल बानी चंपा के हमरा खाती, तो रवा चिंता जीन करी, एक बार गलती हो गेल ना और हम हूँ कसम खा ले बानी कि हम मंजली के कमरा में पैरों न धरब। ना दुल्हीन हम ऐसा ना कहनी हा, बाकी मंजली दुल्हीन के देखभाल जरूरी बा। देखभाल जरूरी बा कि हमरा से बचावल जरूरी बा। ये तू का कहता रु दुल्हीन? ई हम ना, ई रवा कहतनी, ऊहो सब नौकर चाकर के सामने। माँ जी हम रवा से एक बात पूछत नहीं कि और ये घर में हमार कितना अपमान होई। ना दुल्हीन गलती हर इंसान से होला, अगर तोहरों से कोई गलती होइल रहे ओकर सजा भुगत रहल बाड़ू ना, आज पछता रहल बाड़ू ना। हाँ बतावा अगर मंजली के कुछ हो जाए तो नाम तो तोहरे लगे। हाँ माँ जी जरूर लग जाए, कहे से कि हम बांध जी पानी। लोग तो ये सोचता कि आज मछली के जो नुकसान गए नहीं हम जानबूझ के गए नहीं, और वो तो ये सोचते नहीं ना माँ जी। ना दुल्हीन हम तोहरा में यार मंजली दुल्हीन में कोनो फर्क ना समझिए, बाकी हमरा से अगर कोनो गलती हुई तो हमरा के माफ करता। ये रुवा का कहते नहीं माँ जी, हमरा से माफी मांगे रुवा हमरा के और पाप के हकदार मत बनाई माँ जी। ना जाने कौन जन्म के पाप हम भोग रहे बानी जे अबले माई ना बन पाई, और ना पति के प्यार पापोनी। ना दुल्हन सब कुछ ठीक हो जाए, अब चला चला यही जैसा हम दोनों सास पुतोह मिलके कुछ काम के बात कर जा, चला आप। चंपा ताली बजावे के का मतलब? अरे कुछ अच्छा नाटक नौटंकी देखला के बाद लोग ताली ना बजोले का? का मतलब? का महाराज जी इतना अच्छा नौटंकी बड़की भौजी कैली और रहुआ तालियां ना बजावनी? देखो माँ जी अब तो ए घर में सहनाई बजवा के ही दम ले हम, उहो विजय बबुआ और रमा बबनी के ब्याह के। दुल्हन बाकी हम सोचतानी एक बार विजय बबुआ के घरे फोन कर जाओ, आखिर उ लोग का सोच रहल बारन ये जानल जरूरी बा। ऐसे भी हम अनिये के झुके के पड़ी, काहे कि हमने लड़की वाला बानी जब थे। जी माँ जी हम अभी दीदिया से बात कर लेते नहीं। हेलो दीदिया प्रणाम, हम सुम्मी बोला तानी। हाँ सुम्मी खुश रहा। अरे अच्छा कहलू है कि तू फोन कर दे लू, काहे कोनो गड़बड़ बा का? ना सब कुछ ठीक बा। अरे सभी के हूँ मान गए। ऐसा कर तू आपन ससुर जी से कहिया कि हमार ससुर जी से आके मिल ली है। अच्छा ठीक बा हम फोन रखा तानी। ना दीदिया देखा हम तहर गोर पतनी तहरा कोनो हाल में ये बियाह करा के रह के बा। हाँ दीदिया हम जाना तनी, हम जाना तनी कि रमा बबरी में एक बा, लेकिन दीदिया वो बहुत गुणवंती बारी। हाँ और विजय बबुआ तो उनका से इतना खुश रही है ना कि हम का बताएं। का कहलू बिजनेस? अरे हाँ हाँ बाबूजी बिजनेस है उनको नाम से करा दी है, तू चिंता मत करा। का कहलो हमार ससुर जी तूलों के घर जाके तूलों के हाथ पैर जुड़ी है? अरे हमार ससुर जी के आगे तूलों के का औकात बा? बेटी के बाप होन तक का? हां दिमाग गरम मत करा। अरे ना माँ जी उ लोग अपना आपके समझत का मरण। हां बाबूजी वहां जाके गिर रही है, आखिर लइका वाला बाड़न लोग तका। सुन ला दीदी तहरा तो ई बियाह कराए के पड़ी,
और उहो पूरा सम्मान के साथ, समझ लू। हाँ ठीक बा, हम बाबूजी और माँ जी के भेज देता नहीं, लेकिन उनकर सम्मान में कोई कमी ना होके के चाहिए। हाँ ठीक बा, हम रखता नहीं। प्रणाम दुलीन, हम तोहरा का कह के आशीर्वाद दी, तू ही घर के इज्जत सम्मान के इतना ख्याल रख लो, और रमा के बियाहो तय कर रहल बाड़ू। माँ जी, ये घर की इज्जत हमार इज्जत बा, और रमा बमरीता हमार जिम्मेदारी बारी ना। खुश रहा बिटिया, जी अतरा। अच्छा अब जाई और जाके बाबूजी से कहीं जल्दी से तैयारी कर ली है, कहे कि उनकरा के विजय बाबू के घर जाए के बा, और जितना जल्दी होके ना उतना जल्दी दिन तय करके ही आना। हम अभी बता देता है। जी माँ जी। अरे वाह, छुटका भैया आज बहुत जल्दी सूख गए ना। हाँ, वो आज दिन में छत पर बॉल से बहुत देर तक खेलत रहला, ओई से थक गेल हुई। तू ही बतावा कि तू इतना देर से खाना लेके काहे अइलू। का करी, गिरिधारी काका के चल गेला से सब काम के बोझ हमरे ऊपर बा, अब एक नया काम और बढ़ गेल बा, मछली भौजी के खाना खियावे के। उ काहे? अरे रउआ के नहीं मालूम का, मछली भौजी के पेट के बच्चा के मारे खातिर बड़की भौजी उनकरा के पपीता खिला देलिन। ई कान ऑप्शन आप करत, पपीता तो बहुत फायदेमंद फल होला। वो तो ठीक बा दीदी, बाकी डॉक्टर ने कहत रहले माँ बने वाले खातिर पपीता बहुत नुकसानदेह होला, जच्चा बच्चा दोनों के जान जा सकेला। अब बड़की भौजी जानबूझ के मछली भौजी के पपीता खिला देले, जैसे माँ जी के हुकुम बा कि हम अपने हाथे से पका के परोस के बंजी भौजी के खाना खियाए। बाकी हमरा ये विश्वास नहीं होत कि बड़की भौजी ऐसा कर सकेली। खैर जायदा, तू खाना लेके चल जा, अब मटरू महाराज के विक्की बाबू लगे सूते खातिर भेज दा, हम अपना कमरा में जाए के चाहता नहीं। बाकी आज तो महाराज जी बम बम भोले, मतलब मंदिर गए रहलन और चिलम चढ़ा के उल्टल वाड़न। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं की, वैसे ही गहरी नींद में सुतल बान, जल्दी ना उठियन। हम राउर खाना रउआ के कमरे में राख दे ले बानी। ठीक बा। जूस पी ले। इस साल तो माता रानी के ठीक से सेवा भी ना कर पाऊनी, बस कैसा हूँ बीत गई नवरात्रि। माता रानी क्षमा करी। हाँ छोटी, इस साल तो इतना अघटन घटल कि का पूजा भई। फिर भी आज उनकरे आशीर्वाद से हमार लल्ला जियत बा, लल्ला के एक एक सांस तो माता रानी के ही देहल बा। चली जाए दी ठकुराइन, अगला बरिस हमनी के जरा धूम धाम से नवरात्रि मनावल जाए। ए जी, एगो बात कहे के चाहता नहीं। हाँ कही ना। बड़की दुल्हिन काल है विजय बाबू के घरे फोन कैले रही। काहे खातिर? हम तब मना कैले रही ना कि फोन ना करे के। अरे हमरा जे कुछ भी कहे करे हम तक कह दे, अब तो उनकर बारी बाबू का कहलन, हमार बेटी कोनो गिरल पड़ल नहीं खे। ठकुराइन, हाथी बैठला के बाद भी गधा से ऊंचे होला। अब रउआ गुस्सा थूकी और शांति से सुनी। अरे का शांति से सुनी,
रउआ फोन करके तब बता देने कि हमनी के गर्जू हैं। हाँ गर्जू हैं, इमें कोनो शक नहीं की। बाकी हमनी लड़की वाला बानी जा, पहल तो हमनी के ना करे के पड़ी। अरे पहल तो हो गई रहे, अब तो उनकर बारी बार जवाब देवे के। जाए दी माफ करी, हम माई बानी, रउआ हमार बेचैनी का समझा। रउआ तो अपन मान अमूच के लड़ाई में पहले आप करते रह जाए। ए जी सुना तानी। बोली का बोले के बा? ओहनी के ये रिश्ता मंजूर बा, खाली जाके दिन तय करे के बा। हम सोचा तानी कि कल परसों ले सुबह समय निकाल के चलल जा। ये रउआ हूँ का करे तानी? का बो सब कुछ तो रउआ तय करिए रह बा। रउआ दिन और समय फिक्स करके हमरा के बता दी, हम आपके साथ साथ चल चल। ऐसा लागत था कि रउआ हमरा से नाराज बानी। अरे तब इमे रोवे वाला कौन बात बा? रउआ एक बार माई के जगह पे रह के सोची, विजय बबुआ के अयला के बाद से रमा कितना खुश रहेली। ओकर मन में एगो नया उम्मीद जागल बा। हम माई हई, हम ओकर मन के बात पढ़ सकी ने। अगर ई बियाह ना होई तो हम सब समझा था नी ठाकुराई। बाकी जैसे ही हाथ गोड़ जोड़ब नू तो हर बेटी के कीमत माटी से भी कम हो जाए। अरे कुछ तो उनको तरफ से होके के चाहिए। हम समझ गई नी, बाकी अब का कर सकी ने। का कर दो, जाके तैयारी करा। ठीक बा, हम काले पंडित जी के बुला के मुहूर्त निकलवा बतानी। ठीक बा, जे कुछ भी करे के बाद जल्दी करी, कहे से कि अगले हफ्ता में गंगा पुल के नीलामी बा, वो समय हम कहीं ना जा सके। ठीक बा।